नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन महीने का सोमवार हो और उसके बाद फिर महाशिवपुराण की कथा हो तो इसका जो आनंद है वो अलग ही होगा। आज मैं इस समय ज्योड़ियाँ गढ़ी नंदा में हूं। यहां पर आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि महाशिवपुराण की कथा जो है कथावाचक मृदुल मोहन शास्त्री जी के वाणी से आप सुन रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी ने एक शिवलिंग जो कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर एक पूजा की जो कि हमने शायद पहले कभी देखी हो। जहाँ तक हम कवरेज करने के लिए जाते हैं, इतना अजीब गरीब से मिट्टी के शिवलिंग बनाना और उनकी पूजा अर्चना करनी, एक सब बैठकर जितने भी सब यहाँ पर भगतजन थे वो बैठे हुए थे। शास्त्री जी से कुछ बात करेंगे कि इसका कितना महत्व रहता है। शास्त्री, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से महाशिवपुराण की कथा तो यहाँ पर चल रही है गढ़ी नंदा में और उसके बाद आज मिट्टी के हमने देखा कि शिवलिंग, हज़ारों शिवलिंग बने हुए थे, कभी इससे पहले कभी देखा नहीं है, कभी कभी टीवी पे भी नहीं देखा हमने, कभी कभी कहीं और पूजा अर्चना में नहीं देखा, इनका क्या महत्व है? सभी को जय श्री राम, शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नरेश जी, बहुत ही ठाकुर जी की अपार कृपा हुई है, भगवान शंकर की अपार कृपा से हमारे गांव गढ़ी नंदा में हमारे श्याम शर्मा जी जो इस कार्य के आयोजक हैं उनके द्वारा इस शिव महापुराण की जो शुरुआत 20 जुलाई से की गई और कल 26 जुलाई है तो इसकी समाप्ति होगी। इसी उपलक्ष्य में जहां शिव पुराण की कथा हो रही, तो आज सावन महीने के जो सोमवार है उसमें हमने लगभग 11-21 हज़ार के करीब शिवलिंगों का निर्माण किया सभी भक्तों लोगों ने मिलजुल कर। और ये जो आप बोल रहे हैं इसे पार्थेश्वर शिवलिंग महापूजन कहते हैं, जिसमें शास्त्रों और शिव महापुराण लिंग महापुराण में इसका बहुत ही विस्तार और बड़ा विधिपूर्वक इसका वर्णन और इसका बड़ा महत्व है। करोड़ों यज्ञों करने का जो फल है, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का जो महत्व है, वह केवल एक पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से फल प्राप्त होता है। तो हम यही कामना करते हैं भगवान शंकर से कि गांव में, नगर में और हमारे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में सुख और समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बने रहे। जी महाराज जी, सवाल रहेगा, कभी इससे पहले भी आपने कभी ये पूजा अर्चना कहीं करवाई है? जी महाराज जी, मैंने 2014 के करीब अपने स्थान में श्री राधा कृष्ण मंदिर पौनी चक में, जहाँ मेरा निवास स्थान भी है और हमारे ठाकुर जी विराजमान है, वहाँ 2014 में मैंने 1,50,000 शिवलिंगों का निर्माण करवाया भक्तों से और उनका अभिषेक करवाया। और आज भी हमारे श्याम शर्मा जी ने और उनके सब परिवार और सभी भक्तों ने मिलजुल कर बहुत विधि से और बड़ी श्रद्धा से और बड़ी भावना से तन मन और धन से इन्होंने इस कार्य में संजोग किया और भगवान शंकर का विधिवत जो पंडितों द्वारा अभिषेक किया गया। हमारे साथ यहाँ पर श्यामलाल शर्मा जी हैं जो कि राधा कृष्ण मंदिर जो कि गढ़ी नंदा में उसके ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं और इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले श्याम जी, आपको, आपके समेत पूरे परिवार को और पूरे नगर को बड़ी बड़ी मुबारक है जो आप महाशिवपुराण करवा रहे हैं। दूसरा मेरा अहम सवाल यही रहेगा, अक्सर लोग भागवत कथा करवाते हैं, आपके संज्ञान में ये कैसे आ गया कि मैं महाशिवपुराण कथा करवाऊँ? एक्चुअल में बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। माँ भागवत कथा हम लोग 5-6-7 बार करवा चुके, तो शिवपुराण का मज़ा नहीं लिया था, वो शास्त्री जी ने दे दिया, इन्होंने दे दिया वो मज़ा। मतलब इसके उसी हिसाब से आपके कहने का मतलब अर्थ ये है कि आनंद जो है वो हर किस्म का लेना चाहिए। भागवत करवाया आपने पहले भी? हाँ, पहले 5-6 बार करवाया। ये मैं चीज़ यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, राधा कृष्ण टेम्पल के साथ ट्रस्ट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे ट्रस्ट, ये कब ये ट्रस्ट बनी है मैं इससे भी आपका ये करीब इसको हो गया कोई रजिस्टर किए हुए 6 महीने जी। और यहाँ पर आपके मेम्बरान जो हैं ट्रस्ट के, कोई और भी यहाँ से हैं? कोई नहीं है, तीन चार अपनी फैमिली के मेम्बर, एक फैमिली का ही है वो, मतलब कलेक्शन करके या वो ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, मतलब अपना ही, अपने निवास का ही बनाया हुआ है सब अपना ही है। और ये घर भी आपका यहीं पे है? घर है तो इधर भी है घर, मगर इधर थोड़ा भी कम रहते हैं, काम चंडीगढ़ में करते हैं। आपका चंडीगढ़ जी? जी जी। तो ये गाँव से इतना प्रेम क्यों कि यहाँ पर मैं ये गाँव से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, अपनी ये जो धरती है मेरी गाँव की, इससे बहुत प्रेम करता हूँ। जमीन वगैरह है यहाँ पे? सब कुछ है, तभी प्रेम दूर नहीं जाता, प्रेम साथ ही रहता है। भी इसी की है, जो जमीन है वो भी मंदिर की है, इसी इसी यहाँ ही रहने वाली हो। आने वाले समय में कुछ इससे भी बड़ा करवाने की कोशिश करना है, फिर कभी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं।
कुछ चीज़ें दबकर रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान के कार्य में जब भी निकलना हो तो कुछ चीज़ें मन में बना कर रखी हुई हैं। इससे भी बढ़िया तरीके से आने वाले समय में हो सकता है इनकी तरफ से कोई यज्ञ का भी ऐसा आयोजन करवाया जाए। पर महाशिव पुराण जो गढ़ी नंदा में चल रही है, आप हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं और देते ही रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर बात करेंगे। दीपक जी, हाँ दीपक जी, कैसा लगा? और सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप अक्सर क्या करते हैं? मैं नेवी में हूँ, प्रेजेंटली दिल्ली में पोस्टेड हूँ। ये ट्रस्ट जो है मतलब मेरे पिताजी की 25 साल पहले की एक मनोकामना थी जो समय के साथ पूरी हुई है और अभी हम इसके अंत तक पहुँच चुके हैं। होपफुली अगले साल तक ये यहाँ की स्थापना हो जाए और ये ट्रस्ट भी चलना शुरू हो जाए। हमारी कोशिश ये भी है कि इस ट्रस्ट के थ्रू हम फ्यूचर में लोक सेवा करें, तो वो एक मेजर हमारा गोल है जो आगे जाके हम अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए हमें आप लोगों की सहायता भी चाहिए होगी, तो मैं आप लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों की मतलब बिना आयोजन के होगा नहीं, भगवान और आप सबकी कामना चाहिए, तब जाके चीज़ें आगे होंगी। बस बहुत शुक्रिया आपका। देश की सेवा करने के साथ साथ ज़रूर कहते हैं कि कुछ अलग करना चाहेंगे, कुछ लोगों के लिए भी यहाँ पर करना चाहें। और देखें जिस तरह से श्याम जी की सोच है, उस तरह से उनके परिवार की भी सोच है, गाँव से जुड़े रहेंगे, गाँव के साथ संपर्क रखेंगे, यहाँ पे कुछ अलग से करते रहेंगे। और सनातनी होने का ये एक मैसेज भी अच्छा रहता है कि आप सनातनी हैं तो ज़रूर इस तरह के कार्य करवाएं, जिससे आपका आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी ज्ञान हो कि हम सनातनी हैं तो सनातनी होने का मतलब क्या है। अक्सर हमारी नई पीढ़ी जो है इस चीज़ को भूलती हुई जा रही है, और इनकी तरफ से, श्याम जी की तरफ से यहाँ पे मैसेज है, पूरा परिवार इस चीज़ के लिए मैसेज दे रहा है और पूरे नगर को बड़ी बड़ी मुबारक है कि ऐसे कार्य जो है आप लोग भी करवाते रहें। और जिस तरह से इन्होंने कहा, हमें भी एक मौका देते रहें कि हम आपके पास आते रहें और आप लोगों की ये कवरेज जो है दूर दराज तक लोगों तक पहुंचाते रहें। कह रहे हैं कि अगर किसी ने मत्था टेक दे जाओ फटाफट ते बाहर आ जाओ, अपने अपने स्थान पर चलो, सारे चलो, सारे अपने अपने स्थान पर बैठो। शंकर पार्थेश्वर भगवान शंकर ने, ठीक है, और उन लास्ट में जब भगवान शंकर की पुष्प वृष्टि करनी है, सारे फूल ले ले अपने हाथ में, पुष्पांजलि बनाई है, आस्ता आस्ता बिल्कुल प्रेम करना है भगवान शंकर जी के ऊपर पुष्प चढ़ाने, और मन में जो ओम नमः शिवाय का जाप करना। ओम यज्ञेन यज्ञ माया गंध देवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च मया हृतानि पुष्पाणि जार्थं प्रतिगृहताम्। ओं जन्मेन जन्मयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नदेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साजः सन्ति देवः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। बोलो शंकर भगवान के, शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय, हर हर महादेव। नमो पार्वती नमः, हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशोतपत्यादिहेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण नमः। राधा मेरी स्वामणी मेरा धोको दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन मेरा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आए हुए सभी भाग प्रेमी भगवान शंकर के शरणागत में विराजमान समस्त भक्त वृंद, बिना भाग्य के इंसान को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक आदमी सत्कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। आंख लेना कि ये हमारे छोटे शास्त्री जी हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। और आज हमारे अर्धांगणी जी भी आए हैं, तो हमारे शिष्य आए हैं संपूर्ण चौधरी जी, बड़ा भाव है, बड़ी निष्ठा है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण तेरी शरण में आकर मैं धन्य
जो Hey!
जी से बोले बाबा कि मैं भी चलूंगा तेरे संग में, आप ही चलो संग में। गोरा जी से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे रास रचे की जग में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी जुड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली राजकुम आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वो भोला भंडारे बन के दर से नारी राजकुम आ गए हैं, रास में आ गए हैं। देश के चाम सुंदर देश के चाम सुंदर जान रहे हैं सारे राज को, सारे राज को। ऐसी बजाई मुरली ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूली भोला नाथ को, भोला नाथ को। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भोले भोले नाथ को, भोले नाथ को। क्या हुआ तो खुल गया जूड़ा, खुल गई साड़ी, खुल गया जूड़ा, खुल गई साड़ी, नाच रहे भंडारी आपने भंडारी आ गए हैं।
बोलो शंकर भगवान की जय।